हाय गाइस, वेलकम टू देसी रसोईयन ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो यहाँ पर देखिए, मेरी मम्मा बैठी हैं। मम्मा हाय, कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, कहना चाहूँगी, बोलिए। देसी रसोई में आप लोगों का स्वागत है। और ये देखिए, बड़ी मेहंदी लगाई है क्योंकि आज संडे का दिन है। संडे के दिन मैं पूरे इंजॉय के साथ काम करती हूँ, टेंशन लेके काम नहीं करती हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल नहीं जाना होता है, कोचिंग भी नहीं जाना होता है, तो बिल्कुल माइंड रिलैक्स करके काम करती हूँ, धीरे धीरे करती हूँ और खूब अच्छे से काम करती हूँ। तो आज मैंने सोचा संडे है तो मेहंदी लगा रही हूँ, और एक तरफ बन रहा है हमारा खाना, कढ़ी, राजमा और चावल। तो कढ़ी मम्मा खाएंगी और राजमा मैं खाऊंगी। हाँ, कढ़ी भूमि नहीं खाएगी क्योंकि भूमि को नुकसान करती है, तो भूमि कढ़ी नहीं खाएगी। भूमि के लिए स्पेशल राजमा बन रहा है और चावल बन रहा है, और हम सबके लिए राजमा, चावल, कढ़ी भी है, सब कुछ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कढ़ी के लिए दही बाहर निकाल ली है और एक तरफ राजमा हमारे उबलने के लिए रखे हुए हैं। तब तक फ्रिज में से दही निकाली है, तब तक ठंडी हो जाएगी, तो मैंने पहले ही निकाल दी थी। और किचन देखिए, सुबह के टाइम काफ़ी फैल जाता है, संडे कहने के लिए होता है, लेकिन हम महिलाओं के लिए संडे का दिन बहुत ही काम काज वाला दिन हो जाता है, बहुत बिजी शेड्यूल हो जाता है, संडे के दिन काफ़ी काम हो जाता है। और यहाँ पर देखिए, कढ़ी मेरी बन भी गई थी, ये देख लीजिए, कढ़ी इस तरीके से हमारी है। आप भी आइए और खा लीजिए कढ़ी। तो आज का दिन ऐसा हो गया कि सुबह से भाग दौड़ स्टार्ट थी और मैंने 1 बजे या 12:30 बजे के आसपास खाना खाया था। और यहाँ पर देखिए, राजमा भी बन चुके हैं क्योंकि काफ़ी लेट मैं नहाई थी, मुझे लैट्रिन बाथरूम भी साफ़ करना था, तो इस वजह से काफ़ी लेट हो गया था। तो गाइस, ये देखिए, यहाँ पर मम्मा ने मेरा खाना निकाल दिया है। ये राजमा है और ये रोटी है और ये चावल है। इसमें से अभी आधा चावल हम भाभ्या को भी देंगे। और कढ़ी बनी थी, लेकिन मैंने कढ़ी इसलिए नहीं ली क्योंकि मुझे कढ़ी नुकसान करती है, तो मैंने राजमा ही केवल लिया है और एक रोटी ली है। तो चलिए, मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो भूमि, भूख लगी है कि नहीं लगी है? बहुत तेज़ी से भूख लगी है। तो ये देख लीजिए, मैंने इस चावल में 2 हिस्से कर दिए, शायद आपको दिख रहे हो। इधर वाला हिस्सा भूमि का है और ये वाला भाभ्या का है, क्योंकि भूमि बहुत नहीं खा पाती है। और चलिए, सुबह से मैंने वीडियो स्टार्ट किया है लेकिन एक बार भी भाभ्या को नहीं दिखाया है। तो भाभ्या क्या कर रही हैं ये भी देख लीजिए। तो देखिए, जो मैंने वो बनाया था ना कपड़ों से भर के, एक आपने वीडियो देखा होगा, देखिए कितना काम आ रहा है। यहाँ भूमि कर रही हैं अपना खाना पीना। और भाभ्या हाय करो बेटा। हेलो, भाभ्या भी कर रही हैं। सुबह से आप लोग भाभ्या को भी नहीं देख। भाभ्या क्या खा रहे हो? कढ़ी की सब्जी। कढ़ी की सब्जी भाभ्या बता रही हैं। तो ये देख लिए, भाभ्या को मैंने कढ़ी दी है और भूमि को नहीं दी है, क्योंकि भूमि का टेस्ट आने वाला, तो अगर भूमि बीमार हो गई तो बहुत लफड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने भूमि को नहीं दिया है। भूमि ने खुद ही नहीं लिया है, भूमि बहुत डरती है। और ये राजमा है, देख लीजिए, लूती है। और यहाँ देखा जा रहा है टीवी और माखन से भी। आज मैं अपने माखन को पास से नहीं दिखाऊंगी, मेरे बेटा ने अभी कपड़े नहीं पहने हैं, सुबह से नहा के बैठा हुआ है। ये दोपहर के बज रहे हैं 11, और अभी इन क्या कहते भूमि के पापा पूजा उजा सब करके गए हुए हैं, लेकिन मैं अभी तक नहीं नहाई हूँ, ना मैंने अभी खाया है ना पिया है, क्योंकि मैंने अपने सर में लगाई है मेहंदी और मुझे आज कपड़े भी काफ़ी सारे धोने हैं, तो मुझे लग जाएगा टाइम। और जब मैं नहा लूँगी तब मैं सूर्यदेव को खाली जल चढ़ाऊँगी, बाकी मैं पूजा नहीं करूँगी, पूजा अब शाम को करूँगी। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं नहा के आ चुकी थी और मैंने चिड़ियों के लिए रख दिया है पानी, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है तो चिड़ियों को पानी देना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मैंने देखिए भगवान जी के कुछ कपड़े धो के डाल दिए हैं। अब बाल इतना बिना रह रही थी, मम्मा नज़र लग जाएगी। तो गाइस, भूमि कर रही है, भूमि के बालों में लग जाएगी नज़र। भूमि भूमि को मैंने बुलाया किसी काम के लिए, भूमि दौड़ते हुए गई और भूमि का सर दीवार से टकरा गया। ये देखिए, फूल गया है भूमि का सर, जा रही हूँ तेल लगाने। तो यहाँ पर देखिए, भूमि का मैंने सर धो दिया था, मैंने क्या वो अपने आप उसने सर धो लिया था। तो मैं भूमि के बाल में लगा रही हूँ तेल, क्योंकि मेरे बच्चों को तेल की बहुत ज़्यादा आदत है, तेल इनके बाल में लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं बच्चों के बालों से देखो खेलने भी लगी थी, अब भूमि चिढ़ रही थी, तो मैं बार बार बाल उसके ऐसे ही कर दे रही थी, उसको भूत जैसा बना दे रही थी। तो यहाँ पर देखो, मैंने भाभ्या को भी तेल लगा दिया है, अच्छे से मैंने तेल की चंपी कर दी है दोनों बच्चों के सर पर। अब भाभ्या भी रोने लगी है क्योंकि भाभ्या के बाल दर्द हो रहे। और बारी आ गई है मेरी, क्योंकि मैंने भी सर धोया था, तो मैंने बोला अब तुम दोनों को मैंने तेल लगा दिया, अब चलो मेरे भी लगाओ। तो देखिए, भूमि कितने अच्छे से तेल लगा रही है और सच में बहुत अच्छा लग रहा है। खूबसूरत नज़ारा है, बिल्कुल भी धूप नहीं है। भूमि हेलो,
भूमि सुबह से कितनी बार हेलो करे, हेलो ये हेलो 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 हेलो। और बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, कुछ बच्चे पैदल खेल रहे हैं, कुछ मम्मियाँ चल रही हैं, ऐसे ही सब काम हो रहा है। और साफ़ सुथरा बादल, आज की कमेंट्री मैं कर रही हूँ। बहुत दिन बाद भूमि मेरे ब्लॉग में आ रही हैं, देख लीजिए ब्लॉग में लेके आई हूँ। जब से भूमि 9th में गई हैं तो ये भूमि का पहला ब्लॉग है। बुक जब से लेके आई हूँ 9th की, तब से ये भूमि का पहला ब्लॉग है। भूमि को मैं ब्लॉग में नहीं लेके आती हूँ क्योंकि भूमि का पढ़ाई पे हो रहा है प्रेशर ज़्यादा, और भूमि को पल बार टाइम ही नहीं मिलता है। 6 बजे स्कूल के लिए 6:30 बजे निकलती हैं, वहाँ से 1 बजे लौट के आती हैं, 3:30 बजे कोचिंग के लिए चली जाती हैं, वहाँ से 5:30 बजे लौट के आती हैं, फिर अपनी पढ़ाई करती हैं, खाना खाती हैं, सो जाती हैं, तो टाइम नहीं मिल रहा है। और एक बात और बहुत ज़रूरी आपसे करनी है, पहले मैं दिखा दे रही हूँ फिर मैं बात करूँगी। ये देखिए मैंने एक टप में, ये है छोटा सा बैकेट है, इसमें मैंने रख रखा है पानी चिड़ियों के लिए कि चिड़िया हमारे घर से प्यासी ना जाए। चिड़िया कौआ कबूतर कोई भी है, ये कहना चाहूँगी प्लीज़ अपनी छत पे ज़रूर पानी रखिए, जिससे ना बोलते जानवर पानी पा सकें। बेचारे प्यास के मारे इतना छटपटाते हैं, लोगों को पानी नहीं मिलता है, कोई भी अपनी छत पे पानी नहीं रखता है। और देख रहे होंगे गर्मी कितनी भीषण है, तो प्लीज़ इन पक्षियों का भी ध्यान रखें। और कहते भगवान ने हमें हाथ दिए हैं कि हम लोग इन्हें पानी पिला सकें, इनके पानी का इंतज़ाम कर सकें। जो इन चिड़ियों के पास हाथ नहीं है कि अपने पानी की व्यवस्था कर सके, ताल तलैया इस ज़माने में मिलते नहीं है, कहीं के ताल तलैया हैं वहाँ जाके चिड़िया पानी पी सके, तो प्लीज़ अपनी अपनी छत पे पानी रखिए जिससे ये पक्षियाँ पानी पा सके। और बाहर गेट के बाहर भी आप लोग पानी रख सकते हैं डॉग के लिए, डॉग है कैट है कोई भी पानी पी सके, गाय है, तो प्लीज़ इतना काम ज़रूर करिएगा आप लोग। और ब्लॉग का कर रही हूँ एंड, नहीं तो ब्लॉग हो जाएगा लंबा, फिर आप लोग देखेंगे नहीं। भूमि बाय कर दो, और मेरे ब्लॉग कैसा लगा है मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट में पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम लोग ब्लॉग कर रहे हैं, नहीं तो फिर आप लोग देखेंगे नहीं। भूमि बाय कर दो, कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं, अरे कुछ, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। तो देखिए भूमि ने कर दिया है, तो चलिए मेरी तरफ से भी फिर मिलूंगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, और अपना ख्याल रखिएगा और चिड़ियों के लिए पानी रखिएगा।